Hello student, welcome back. Today we are going to learn chapter number 4 of MSc Caring. What is caring? Caring is a way of behaving. So let's start chapter number 4, Caring. A long, long time ago, there was an apple tree. A little boy played under it every day. बहुत समय पहले एक apple tree था. एंड एक लिटिल बॉय जो था वो उसके चारों तरफ खेलता था हर दिन आकर उसके साथ में. ही लव्ड द ट्री एंड द ट्री लव्ड हिम. वो उस ट्री को बहुत ही प्यार करता था और जो वो ट्री था वो भी उस बच्चे को, छोटे बच्चे को बहुत प्यार करता था. टाइम पास डबे धीरे धीरे क्या है, टाइम निकलता गया. द लिटिल बॉय ग्रीव अप एंड नो लॉन्गर प्लेड अंडर द ट्री. अब जब वो छोटा बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़े होने पर क्या करा, उसने कुछ टाइम तक उस अंडर ट्री मीन्स ट्री के नीचे खेलना बंद कर दिया. वन डे द ग्रोन अप बॉय केम एंड सैट अंडर द ट्री. एक दिन वो बड़ा बच्चा जो छोटा था वो जब बड़ा हुआ तो वो एक दिन ट्री के पास में आया और ट्री के नीचे जाकर बैठ गया. कम लेट अस प्ले सैट द ट्री टू द बॉय. तब ट्री ने कहा कि चलो अपन खेलते हैं. तब आई एम नो लॉन्गर अ लिटिल चाइल्ड, आई डोंट प्ले अराउंड ट्रीज एनी मोर द बॉय सैट. उस बॉय ने क्या कहा कि अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो इस ट्री के चारों तरफ चक्कर लगा लगा कर खेलूँगा. आई वॉन्ट टॉयज, आई नीड मनी टू बाय देम्स. मुझे तो टॉयज चाहिए मीन्स खिलौने चाहिए और उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है. सॉरी आई डोंट हैव मनी बट यू कैन पिक ऑल माई एप्पल्स एंड सेल दैम, देन यू विल हैव इनफ मनी टू बाय टॉयज. तब उस ट्री ने क्या कहा कि सॉरी मेरे पास मनी तो नहीं है लेकिन तुम क्या करो, मेरे ब्रांचेस पे जितने भी एप्पल्स हैं तुम उसको तोड़ लो, उसको मार्केट में सेल करो और जब सेल करोगे तो तुम्हें मनी मिलेगा और उस मनी से तुम टॉयज को खरीद लोगे. द बॉय ग्रीव एक्साइटेड. बॉय ने जब ये सुना तो वो बहुत ही एक्साइट हुआ. ही प्लक्ड ऑल द एप्पल्स फ्रॉम द ट्री एंड लेफ्ट. उसने सारे एप्पल्स उस ब्रांचेस पे तोड़ ट्री में से तोड़े और वहाँ से चला गया. ही डिड नॉट रिटर्न फॉर मैनी डेज. और कई दिनों तक वो वापस लौट कर नहीं आया. द कैरिंग ट्री मिस द बॉय. जो कैरिंग ट्री था मीन्स जो ट्री उसकी परवाह करता था, उसको खुश देखकर खुद खुश हो जाता था, वही ट्री उसको बहुत मिस कर रहा था क्योंकि वो लड़का काफ़ी टाइम से उसके साथ खेलने नहीं आया था. मैनी ईयर्स पास्ट. कई साल बीत गए. द बॉय रिटर्न एज अ यंग मैन एंड द ट्री वॉज हैप्पी. कई साल बीत जाने के बाद जो छोटा बच्चा था वो एक यंग मैन के रूप में सामने आया और ट्री के पास आया. ट्री उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ. कम लेट अस प्ले. ट्री ने वापस उससे कहा कि चलो आओ मेरे साथ खेलो. द ट्री सैड आई डोंट हैव द टाइम. बट बॉय ने क्या कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है. आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली. मुझे अपनी फैमिली के लिए वर्क करना है. वी नीड अ हाउस फॉर शेल्टर. और मुझे एक हाउस की ज़रूरत है हम सब के लिए. सॉरी आई डोंट हैव अ हाउस बट यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस. तब ट्री ने कहा कि सॉरी मेरे पास हाउस तो नहीं है लेकिन तुम मेरी जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितनी भी शाखाएं हैं उनको तोड़ लो और उनसे अपने लिए एक घर बनाओ. सो द मैन कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड लेफ्ट. अब मैन ने क्या कहा, उस यंग मैन ने उस ट्री की सारी ब्रांचेस कट कर ली और वहाँ से चला गया. द कैरिंग ट्री वॉज ग्लैड टू मेक हिज फ्रेंड हैप्पी. जो कैरिंग ट्री था, जो उसकी परवाह करता था, वो ट्री उस अपने दोस्त को देखकर मींस उस मैन को देखकर जिसे देखकर वो खुश होता था, उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ क्योंकि वो बहुत खुश था. द मैन डिड नॉट कम बैक फॉर सम मोर ईयर्स. अब जो मैन था वो कई सालों तक वापस लौटकर नहीं आया. इट वॉज़ अ हॉट समर डे व्हेन द मैन कैम बैक. और एक बार एक बहुत ही गर्मी भरा दिन था जब वो मैन वापस आया. द ट्री वॉज थ्रिल्ड. जब ट्री ने उसे देखा तो वो बहुत ही खुश हुआ, उसको देखकर बहुत ही उत्सुक हुआ और उसने कहा लेट अस प्ले कि चलो हम दोनों खेलते हैं, मेरे साथ खेलो. आई एम ओल्ड, आई वॉन्ट टू गो सेलिंग टू इन्जॉय द लास्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, आई नीड अ बोट. तब उस व्यक्ति ने कहा क्या कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ. आई वॉन्ट टू गो सेलिंग टू इन्जॉय द लास्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ. मैं सेलिंग पर जाना चाहता हूँ, मेरे जो लास्ट लाइफ के जो कुछ टाइम बचा हुआ है मैं उसमें सेलिंग पर जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे एक बोट की ज़रूरत है. यूज़ माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट. तुम ट्री ने क्या कहा कि तुम
बोट बनाने के लिए मेरे ड्रम को यूज़ करो. यू कैन सेल फार एंड वाइड ऑन इट एंड बी हैप्पी. और उसमें बैठकर तुम सेलिंग पर जाओ और खुश रहो. सो द मैन कट द ट्री ट्रंक टू मेक अ बोट. अब उस मैन ने क्या करा, जो ट्रंक बचा हुआ था ट्री के पास उसको भी कट कर लिया और उससे एक बोट बनाई. ही वेंट सेलिंग एंड डिड नॉट कम बैक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. और वह सेलिंग पर चला गया और काफ़ी लंबे सालों तक, लंबे टाइम तक वो वापस लौट कर नहीं आया. फाइनली द मैन रिटर्न्ड. और अंत में फाइनली वह व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो हो गया था, वो वापस लौट कर आया. द ट्री वॉज बोथ हैप्पी एंड सैड. अब जो ट्री था वो खुश भी था उसे देखकर और दुखी भी था. क्यों? आई एम हैप्पी टू सी यू बट आई एम सैड बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू नाउ. क्यों दुखी था और क्यों खुश था? वो इतने लंबे टाइम बाद उसको देखकर बहुत खुश होता है लेकिन दुख भी होता है उसे. क्यों दुख होता है? क्योंकि अब उसको उसके पास, ट्री के पास, उस अपने दोस्त को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था. ना एप्पल्स थे, ना ब्रांचेस थी, ना ट्रंक था, क्योंकि वो ऑलरेडी ये सब कुछ चीज़ें अपने फ्रेंड्स को पहले ही दे चुका था. आई एम वेरी ओल्ड नाउ, आई जस्ट नीड रेस्ट, सेड द ओल्ड मैन. तब ओल्ड मैन ने कहा कि अब मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे केवल आराम की ज़रूरत है. ग्रेट, अ ट्री रूट्स आर द बेस्ट बैक रेस्ट, सेड द केयरिंग ट्री टू द मैन इट हैड लव्ड सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय. तब उस ट्री ने जो था, ग्रीनरी था, कैरिंग ट्री था, उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरा जो, मेरी जो रूट्स है उस पर आराम करो. और वो उसको बहुत ही प्यार करता था उस बच्चे को, जो कि अब ओल्ड मैन बन गया था. जबकि वो छोटा सा बच्चा था तब से उसको वो प्यार करता हुआ आ रहा था. द ओल्ड मैन सैट डाउन टू रेस्ट एंड द ट्री वॉज ग्लैड. द ओल्ड मैन जो था वो रेस्ट करने के लिए उसकी रूट्स पर बैठा और ये देख कर उस ट्री को बहुत ही खुशी हुई. ओके, जो ये चैप्टर नंबर कैरिंग है आपका 4th, वो कंप्लीट हो गया है. इसके क्वेश्चंस PDF में दिए गए हैं, उनके वर्ड मीनिंग है. तो इसको अच्छे से चैप्टर को लर्न करिए रीड करके. ओके, थैंक यू.